किशोर दा यूटलिंग और गाने में अपने चीज डालना सिर्फ आपसे ही सीखा है, सो ये आपके लिए है।
अब हीरा हो हीरा। थैंक यू सर। कहाँ आप एकदम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग क्रॉस करके एकदम कहाँ पर गाते हो भैया आप? अभी तो मेरी उम्र हो गई है तो मैं आपसे गाना सीखता यार सच्ची। Hats off to you. सवाई भट्ट तुम जहाँ से आए हो अब तुम्हें उन गलियों में सिर्फ इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। और अभी मैं और विशाल वही बात भी कर रहे थे कि भाई आरडी बर्मन जी के गाने क्या माने सवाई भट्ट कौन सा गाना गाएगा ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन तुमने जो जवाब दिया ये बेनाम गाना गा के हद कर दी तो हद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंटास्टिक। सवाई जब आप गा रहे थे तो मेरा दिल यही कह रहा था कि अगर आप आरडी बर्मन साहब के टाइम पे अगर आप होते ना तो आरडी बर्मन साहब को आपको ही गवाना चाहिए था इतना अच्छा गाया आपने। साल 1967 का एक गाना तुम बिन जाऊं कहा। तुम बिन जाऊं कहा। और भारतीय संगीत का इतिहास बदल गया। फिर आया 1968 में पड़ोसन और सारा देश एक नई धुन में मस्त मगन हो गया। इस श्रेणी में जुड़े कटी पतंग, जवानी दीवानी, हरे राम हरे कृष्णा, हीरा पन्ना, आपकी कसम, आंधी, ये वादा रहा, रॉकी और किशोरदा और आरडी बर्मन ने इंडियन म्यूजिक के सुनहरे दौर की लिखाई हीरे की कलम से कर दी। अ ट्रिब्यूट टू द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट किशोर कुमार एंड आरडी बर्मन फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक द आइडल्स। हम ना करेंगे प्यार।
तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। जाता हूँ किसी भी धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.